दिमागी बुखार यानी एंसेफेलाइटिस नामक बीमारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। हाल ही के दिनों में इस बीमारी से बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, बेगूसराय, भागलपुर और गया जिले में करीब 130 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शनिवार को एंसेफेलाइटिस से सबसे ज्यादा प्रभावित मुजफ्फरपुर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि एंसेफेलाइटिस से निपटने के लिए सभी प्रभावित राज्यों में टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर शत प्रतिशत प्रतिरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। ईच एंड एवरी चाइल्ड शुड बी वैक्सीनेटेड फॉर द वैक्सीन विच इज अवेलेबल बिकॉज यू कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ए वायरस एक्चुअली हार्मिंग द चाइल्ड। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कुपोषण, गंदगी और साफ सफाई के अभाव में इन बच्चों की ऐसी बीमारियों से मौत हो सकती है। इन मौतों के कारणों का पता लगाना और उसकी रोकथाम की जवाबदेही राज्य सरकार की है। साथ ही उन्होंने एंसेफेलाइटिस को रोकने के लिए राज्य सरकार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र की सरकार जब तक इस बीमारी की गहराई में नहीं पहुंच जाएगी और इस बीमारी से बच्चों को बचाने के लिए जितने भी प्रयास हो सकते हैं उन प्रयासों के अंदर हम कोई किसी तरह की कमी नहीं छोड़ेंगे और इन बच्चों की प्राण की रक्षा के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जिस भी तरीके की सहायता आवश्यक होगी वो हम स्टेट की सरकार को देंगे। मुजफ्फरपुर में अस्पतालों का निरीक्षण करने के बाद हर्षवर्धन ने डॉक्टरों से बातचीत कर रोगियों का पूरा ध्यान रखने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने पीड़ित बच्चों और उनके परिजनों से भी मुलाकात की। एंसेफेलाइटिस ने बिहार से बाहर पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के भी कुछ हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया है। दिमाग पर असर डालने वाली इस बीमारी की रोकथाम के लिए जल्द ही प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है, नहीं तो देश के अन्य हिस्सों में भी इसका नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।